धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर ने ले ली महिला की जान। मामला फिरोजाबाद के थाना उत्तर के कुछ कदम दूरी पर बने हुए रघु शांति हॉस्पिटल का है, जहां पित्त की थैली का ऑपरेशन होना था। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन से पहले बेहोशी का इंजेक्शन नहीं लगाया और बेहोशी के डॉक्टर को नहीं बुलाया गया, जिसके कारण महिला की मौत हुई है। वहीं परिजनों का आरोप यह भी है कि 3 बजे ऑपरेशन होना था और सही समय पर ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब हमने जानकारी की तो बताया गया सांस लेने में परेशानी हो रही है, उसको आगरा ले जाना पड़ेगा, जबकि सच्चाई कुछ और ही थी। वह महिला काफ़ी समय पहले ही दम तोड़ चुकी थी। फिरोजाबाद से अनिल शर्मा की रिपोर्ट, SKH न्यूज। उस पार्टी में होगा, वीडियो सूची में होगा, मैं वहाँ मौजूद रहूंगा। ये होगा तो पोस्टमार्टम होगा, अंतत तब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा जब तक वीडियोग्राफी नहीं होगी और मैं वहाँ मौजूद नहीं हूँ। मैं तो 20 साल रहा हूँ, मुझे तो मालूम है इसको कितने जूते पड़े, कितने हॉस्पिटल टूटे इसके। आज कस्बा एका के जितेंद्र कुमार गुप्ता, जो रिश्ते में मेरे चाचा जी लगते हैं, और उनकी वाइफ को पित्त की थैली में एक पथरी थी, उसका ऑपरेशन कराने आए रघु शांति हॉस्पिटल में। वो सुबह के करीब आए थे और उन्होंने ऑपरेशन कराने के लिए डॉक्टर ने कहा, तो उन्होंने ऑपरेशन के लिए हामी भरी। तो और डॉक्टर की घोर लापरवाही की वजह से आज मेरी जो रिश्ते में चाची लगती हैं उनकी डेथ हो गई है, और मैं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के मामलों में ऐसे घोर लापरवाही करने वाले डॉक्टर के खिलाफ तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज किया, और उनकी तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी की मांग हम सब लोग करते हैं। और जितेंद्र कुमार गुप्ता पूर्व में भाजपा कार्यकर्ता है, तो मैं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन यही मांग कर रहा हूं, तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज कर इनकी तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी की। कब एडमिट किया गया था? सुबह एडमिट किया था। और जो पित्त की थैली में किस तरीके डेथ हो सकती है, ये बड़ा चिंता का विषय है। किस तरह की लापरवाही बरती गई है पित्त की थैली में, आज तक मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि पित्त की थैली में पथरी होने के बाद आदमी औरत की डेथ हो रही है, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है।